तो गाइस करीब करीब रात के 8:10 हो चुके हैं। अभी तक लौंडा लगा पड़ा है मोमोज बनाने पे। उससे पहले हम लोगों को इसमें नमक मसाले ऐड करने पड़ेंगे। और गाइस को नमाज पहना है फिर भी उसको खिकरन लग गई, बोले तो मिर्ची जल एक नंबर है भाई। खानी हो तो कभी आ जाना मेरे पास। तो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सब लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9 बजे से। और जैसे कि यार आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे कि डेली का एक ही काम है हमारा कि भाई सुबह दुकान खोलना और समोसे मोमोज चाउमीन वगैरह बनाना, फास्ट फूड बनाना। फास्ट फूड तो नहीं, सुबह तो हम समोसे वगैरह बनाते हैं, समोसे बनाने लेकिन समोसे कम बनाने। आज हम लोग बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यार। तो ब्रेड पकौड़े बनाने का हम लोगों ने सारा मटेरियल सुबह ही तैयार कर लिया था। ये देखो आलू की स्टफिंग भी बना दी है, ये देखो ब्रेड की कटिंग करके यहाँ पर रखी हुई है, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये बेसन का घोल बना रखा है। और इतने ब्रेड हम लोगों ने निकाल लिए, लगभग 15-16 ब्रेड पकौड़े हैं देखो। तो अभी कढ़ाई भी बड़ी वाली लेकर आ चुके हैं हम लोग, छोटी वाली कढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। तो अभी इनको तलते हैं, इसके बाद तुरंत समोसे बनाने हम लोगों ने भाई। तो अभी यार दोस्तों 11:30 हो चुका है टाइम, और जो जो आइटम हम लोगों को आज बनाने थे वो हम लोगों ने बना दिए हैं। तो ये बना रखे हैं ब्रेड पकौड़े, और यहाँ पर बना रखे हैं समोसे। ये देखो ये समोसे डाल रखे हैं इसमें, ये देखो। और वहां पर बना रखे खिड़की में रखे हैं नमक पारक भाई। 3 चीजें बना रखी हम लोगों ने फिलहाल, और ये भी भाई शाम तक चले जाएंगे भाई, सारी बिक जाएंगे भाई। उसके बाद फिर से दोबारा समोसे बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, क्योंकि समोसों की डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है। तो फिलहाल अभी यार खाना खाने जाना था, किसी के घर पे नारायण पूजा है, लेकिन वहाँ काम करने भी नहीं गए आज पूरे गांव वालों के लिए, उन्हीं के घर पे खाना था तो काम करने तो गए नहीं। तो खाना खाने भी देखता हूँ, जाता हूँ नहीं जाता हूँ, ऐसा भूख तो नहीं लगी अभी, क्योंकि सुबह से यार तेल वाली चीज़ें पका रहे हैं तो वही पेट में गैस से भर जाती है, तो भूख भी नहीं लगती यार इस कारण से। सो ये देखो हेरा वो घर जहाँ पर के लोग खाना खा रहे हैं अभी, और कुछ लोग घर भी लेकर जा रहे होंगे। तो हमारे घर पे तो फिलहाल कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूँ। तो अभी यार दोस्तों 4:30 हो चुका है टाइम, और खाना खाने के बाद यार थोड़ा आराम करते हैं तो सो गया था, उठा और उसके बाद तुरंत फिर से काम पे लग गए भाई चाउमीन वगैरह बनाने पे। तो शाम के 6 बजे से भाई ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं चाउमीन मोमोज समोसे वगैरह के। समोसे और ब्रेड पकौड़े तो शाम तक खत्म हो जाते हैं, और चाउमीन भी हम लोगों को शाम को दोबारा से बॉइल करने पड़ते हैं। तो अभी का काम जो होता है हमारा, सबसे पहले मोमोज बनाना होता है। तो मोमोज बनाने के पूरे प्रोसेस में हम लोगों को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं भाई, और फिर हम लोग फ्री होते हैं रात के 9:30 बजे भाई। जिस दिन ज्यादा ही देर तक चाउमीन मोमोज वगैरह की डिमांड आती है उस दिन 10 बजे फ्री होते हैं, जिस दिन नहीं आती उस दिन 9:30 बजे हम लोग फ्री हो पाते हैं। तो फिलहाल अभी भाई काम पे लग जाते हैं दोबारा से, और अभी यहाँ पर हमारे नील कमल सेब बना रहे हैं भाई, हाफ फ्राई अंडे का, दो अंडे का हाफ फ्राई, देखो कितना बड़ा बना रखा है गाइस। हमारे नील कमल सेब भी सीख गया भाई हाफ फ्राई बनाना। गाइस ये रहा हमारा हाफ फ्राई। आपने ये फुल फ्राई हो गया वो गाइस, मजाक कर रहे हैं इन्हें इसी का भी। इसे क्या यार देख तू क्या गजब का बना रहा है, 150 बना रखे, 1000 बना रखे भैया। हां तब देख रहा था मैं तेरे को इधर फेंकते हुए ना, हम ऐसे फेंक देते हैं ऐसे। तो गाइस ये रहा हमारा टन वाला है, टन वाला समोसे ब्रेड पकौड़े बना रखे थे जो सुबह, वो भी जाने वाले हैं, इतने से ही बचे हैं बस। उसमें से 14 तो मैं ही खा गया भाई गाइस, पहली बार आज 14 नहीं भाई 4 खा रखे उसने से। आज अबू जुल्फिकार ने खाना भी नहीं खा रखा है, 2 ब्रेड पकौड़े 2 समोसे पेल रखे उसने अभी। आज मेरे नीलामी कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर हम मैंने चाय बना रखी भाई, चाय पीने का मन करता है तो कब तक नीचे जाए भाई चाय लेने, इसलिए मैं ओ भाई ये गिर गया, तो इसलिए मैं केटली ऊपर ही लेकर आता हूँ। उड़ जा उड़ जा, हमारे सिक्योरिटी गार्ड उड़ जा। तो अभी यार मौसम भी खराब हो चुका है, देखो थोड़ी देर बाद बारिश आने वाली है भाई मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब यार आगे के ब्लॉग में आप लोगों को मोमोज बनाने की रेसिपी बताएंगे कि किस टाइप से हम लोग घर पे मोमोज बनाते हैं भाई। तो फिलहाल अभी जब्बू जुल्फिकार को लगा रखा है, अरे आवाज कम कर उसकी भाई, इधर काटने के लिए। तो अभी जब्बू जुल्फिकार को लगा रखा है बड़ी चॉप करने पे, ये हम लोगों ने सोयाबीन बड़ी भिगो रखी है और उन्हें अभी बारीक करना है, और एक गोभी हमने कद्दूकस कर रखी है, इसमें नमक मिला रखा है, अभी इसने पानी छोड़ दिया तो इसका पानी अलग करना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा इसको ढंग से। और यहाँ पर हम लोगों ने लहसुन चॉप करके रखा है, मिर्ची चॉप करके रखी है, और ये मैदा लगा रखा है भाई। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब तो बाद में कर लेंगे, पहले काम करना है भाई, पहले काम करेंगे ना तब काम के, जैसे काम के पैसे मिलते हैं वैसे वीडियो दिखाने के सब्सक्राइबर मिलेंगे, जब वीडियो देखेंगे तब सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो फिलहाल तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मुझे इसका पानी अलग करना है, जितना पानी है ना गोभी में सारा पानी निचोड़ना है भाई।
सिंगरा भाजी। तो अभी गोभी में और बड़ी में जितना भी पानी था सारा निचोड़ लिया हम लोगों ने, और अब इसको ना लहसुन के साथ तेल में मस्त करके फ्राई करना है, उसके बाद आएगा भाई असली वाला स्वाद। अभी नमक मिर्च मसाले भी डालने हैं इसमें वो। तो अब गोभी को और बड़ी को फ्राई करते हैं मस्त करके तेल में भाई सबसे पहले। तो ये सबसे पहले डाला हम लोगों ने लहसुन, और उसके बाद डाली हम लोगों ने मिर्च जिसकी की किगरा नहीं लगने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों को इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड करने पड़ेंगे, और ये सीक्रेट मसाला हम लोगों ने इसमें बहुत सारे मसाले हम लोगों ने ऐड कर रखे हैं। तो अभी इसमें नमक मिर्च मसाले सारे हम लोगों ने ऐड कर लिए, इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब इसमें डालते हैं भाई मसाला, अब नहीं लगेंगे भाई। गाइस उसने मास्क पहना है फिर भी उसको किकरन लग गई, बोले तो मिर्ची जलने वाली स्मेल आती ना, जो खांसी मिर्ची जलने वाली स्मेल मतलब खांसी होती ना बहुत तगड़ी। तो अब इसको थोड़ी देर भूनना है मेरे को, लेकिन जैसे तब तक ना मिर्च की वो लग गया ना, मैंने मिर्च इसलिए भूनी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के लोग बैठ रहे थे, वो हल्ला कर रहे थे, आप ही तो कुछ नहीं रहे काले हल्ला कर रहे थे, मैंने उन्हें बाहर भगाने के लिए मिर्च को तेल में फ्राई कर दिया और सब भाग गए बाहर। अभी गाइस फ्राई नहीं फूका हुई ना ऐसे फूका, मेरे को भी फिक्र लगी भाई, दो मिनट तक कैमरा रोक के रखना पड़ा, वीडियो बनाने के चक्कर में हमेशा काम खराब हो जाता है। अभी मिर्ची जल गई यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर हमने इसे और भुनना है, और उसके बाद डालेंगे हम लोग इसको मैदे के अंदर। तो मसाला बनने के बाद अभी हमारा मैदा भी सेट हो चुका होगा मेरे हिसाब से, तो हो जाना चाहिए अभी तक, थोड़ा सा टाइट लग रखा है लेकिन चल जाएगा, लेकिन ये कड़गड़ा कड़गड़ा सा हो गया यार। मैंने उसी टाइम बोल दिया था गाइस कि मैदा है टाइट। वो है भाई मैदा लगाने वाला इंसान। तो गाइस करीब करीब रात के 8:10 हो चुके हैं, अभी तक लॉन्डर लगा पड़ा है मोमोज बनाने पे, ऑर्डर इतनी धड़ाधड़ चल रहे हैं ना 6 चला का पड़ा है भाई दोस्त, जितने हो रहे वो खाली हो जा रहा है डब्बा, वो स्टीम करने जा रहे उधर ही से खाली दह खाली दह खाली, कम से कम 8-1.5 मोमोज निकल गए, और समोसे भी तो ऐसे 90 समोसे हो गए क्रॉस। सुबह से मैं टॉर्च पकड़ के खड़ा हूँ गाइस इधर, अब क्या बताएं तो मैं, मेरे को कैसे रेंट पड़ गई। करे भैया ऑर्डर इतने चल रहे हैं अभी इसको, अब लास्ट में उन्होंने बोला एक चाउमिन खिलाएंगे, बल मेरे को देखते हैं कैमरा पकड़ने कैमरा पकड़ने की नहीं ये टॉर्च जलाने की गाइस, क्योंकि लाइट बाहर नहीं जलाए ना, बिजली का बिल बहुत आ रहा है बल। तो चलो अब मिलते हैं आपको ठेक मोमोज बनाने के बाद ही, जब ऑर्डर जब फ्री हो जाएंगे लोन ले लो, क्योंकि मेरा हो गया अभी और घर जाने का। तो अभी यार दोस्तों रात के 9:30 हो चुका है टाइम, और अभी भी भाई फ्री नहीं हो पाए, देखो अभी भी चाउमीन बनते जा रहे हैं, इसमें मैं बना रहा हूँ हाफ फ्राई एक अंडे का, और 2 का ऑर्डर इसके बाद और है, और जो मोमोज बना रखे थे ना जिसपे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा खाली हो चुके हैं, देखो पूरा स्ट्रीमर खाली हो चुके हैं, सब जा चुके हैं भाई, एक्स्ट्रा भी बना रखे थे वो भी जा चुके हैं, और अभी यहाँ पर चाउमीन का ऑर्डर है और एक हाफ फ्राई का, इसके बाद फिर से हाफ फ्राई का ऑर्डर है भाई। और ये देखो हमारे ग्राहक अभी भी यहाँ भरे हुए हैं, ये देखो भाई ऑर्डर पे ऑर्डर चल रहे हैं भाई आज ना भाई प्रोफेशनल हूँ मैं। हमारे पर भाई बल कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कैमरे के सामने उन्हें शर्म लग रही है, अभी शर्म ही नहीं भाई हम मर्द लोग हैं शर्माते हैं।
देखो भाई अभी दो हाफ फ्राई मैंने बना दिए हैं और चाउमिन भी बन चुके हैं। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। और एक हाफ फ्राई का ऑर्डर और आ चुका है जो कि खुद बनाने वाला है बंदा भाई। और गर्मी भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है, अभी हमारे एक सिलेंडर भी खत्म हो चुका है भाई। देखो तो अभी मैं एक काम करता हूँ, फोटो खा के आता हूँ, उसके बाद भी ऑर्डर है भाई। एक अंडा चाउमिन का ऑर्डर और है, अभी टाइम 10 बजने वाले हैं भाई। तो अभी मैं रोटी खाने जा ही रहा था, फिर से भाई अंडा चाउमिन का ऑर्डर आ गया। दुकान और हमारे सत्य भाई को पूछते कैसे हो रहे हैं भाई। और नमस्कार लोगों, और ठीक ठाक हो रहा है। कैसे कैसे हो रहे हैं भाई? आलू ठीक ठाक हो, आलू दिखा दो भाई। सही है, ठीक है, एक नंबर है, वन नंबर है। तो हमारे परू भाई बोलेंगे कैसे हैं भाई, परू सेठ, पर्वत सेठ। एक नंबर है भाई, खानी हो तो कभी आ जाना मेरे पास, मैं तेरे पास। हाँ अच्छा, मैं भी बनाऊंगा ना। हाँ, परू सेठ भी कारीगर है, कभी उसका भी ढाबा था घर पे। कौन मरेगा? कोई नहीं मरेगा, इतने चार खिड़कियां निकाल रखी वहां पर। तो अभी हमारे ताऊ जी भी आ चुके हैं भाई, सबसे लेट वाले ग्राहक, हमारे सबसे आखिरी ग्राहक होंगे शायद आज के। हाँ तो आज खा के आ रखे हैं ताऊ जी, सिर्फ पानी पीने आ रखे थे यहाँ। ताऊ जी बोल रहे हैं आप अंदर वाल गर्मी से मर जाओगे, तो यहाँ पर एक छप्पर रोलेबल बाहर पे। आज तो 10 बजे तक चाउमिन खरोलने पे लगे हैं भाई। देखो एक से एक कारीगर आ गए यहाँ। तीन बार मैं रोटी खाने के लिए जा रहा था, लेकिन तीनों बार कैंसिल कर दिया मैंने। तो फाइनली यार दोस्तों, अब जाके रात के 10:30 बजे हम लोग फ्री हो पाए हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं रोटी खा के आया, उसके बाद भी भाई चाउमीन के ऑर्डर चल रहे थे, इतने ज्यादा चाउमीन लगे हुए यार। तो फिलहाल अभी सफाई वगैरह भी कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर बहुत सारे चाउमीन वगैरह बिखरे थे, यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा हो गई थी। और अंडे की जो क्रेट थी वो भी समाप्त हो चुकी भाई, कल फिर से अंडे लेकर आने पड़ेंगे। और हाँ यार, अगर आप लोगों को कोई रेसिपी पता होगी जिसे कि मैं घर पे बना सकता हूँ, लोग जिसे पसंद करेंगे, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अगर मेरे पास की होगी तो मैं पक्का बनाऊंगा। तो ठीक है, फिलहाल तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा वीपाड़ी का। तो अगर आप लोग वीपाड़ी के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप लोग पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना। इसी टाइप से आगे भी अपने भाई वीपाड़ी को सपोर्ट करते रहना, वीपाड़ी की वीडियोज देखते रहना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए विवाड़ी के नेक्स्ट ब्लॉग का। टाटा, गुड बाय एंड गुड नाइट।